मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो क्लास होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे क्रमागत प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं और ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, इनके वर्गों का योग और इनके घनों के योग को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे कि प्राकृत संख्याएं मींस नेचुरल नंबर्स जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इस तरह से 10 का स्क्वायर लास्ट में लिखा है। और फिर ये दूसरा सवाल इसी का है लेकिन ये मिड से शुरू हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, क्रम से नहीं है, शुरुआत से नहीं है। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। इसी तरह से ऑड नंबर हैं और इवन नंबर हैं यानी इनके वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। लास्ट जो क्लास था 3 नंबर वीडियो है संख्या पद्धति का, उसमें देखा था कि आपने क्रमागत प्राकृत, सम, विषम और गुणज संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे बताता हूं। आप पहले ये सवाल देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे और उसके बाद ये सवाल देखेंगे। क्लियर हो गया? मैं विषम का पहला और सम का पहला, ये दोनों सवाल आपको बता रहा हूं। विषम का पहला देखें क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 और 15 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसका आंसर देने के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट नंबर आप चेक करें जब क्रम से हो। क्रम क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है तो इसका मतलब है कि ये शुरुआती दौर से है और लास्ट संख्या यहाँ पे 15 है। तो इस मामले में आप लास्ट संख्या देखिए क्या है, 15। आप आगे 1 बढ़िए क्या होगा, 16, और आगे एक और बढ़िए क्या होगा, 17। इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गए? क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग जब शुरुआत से लेकर कहीं तक भी हो तो लास्ट नंबर देखेंगे, उसे लिख लें, उसके आगे वाला और उसके आगे वाला। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 3 × 2 = 6 हो गया और 3 × 5 = 15 हो गया, 2 से काट दिया ये 8 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया और 17 × 4 = 68, 680 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 15 तक के विषम संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा वो क्या होगा, 680 होगा। आप ये चेक करिएगा। अच्छा, अब इस सवाल पे आ जाइए, हमने आपको इसका पहला और इसका पहला बताया था, तो सम संख्या के पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेम रूल है, कुछ भी नहीं करना है, ये शुरुआत से है क्योंकि पहला इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, तो पहली सम संख्या 2 है, इसका मतलब ये शुरुआत से है और कहाँ तक गया है, 12 तक गया है। आपको कुछ नहीं करना है, 12 को पकड़ लीजिए और अगली संख्या क्या होगी, 13 होगी, और अगली संख्या क्या होगी, 14 होगी। फिर से बटा 6 करना है और 6 × 12 हो गया, अब इसको गुणा कर देंगे, 13 × 26 हो गया और 26 को 14 से आप गुणा कर दीजिए, तो 14 × 6 = 84 हो गया और कैरी हुआ 8, 14 × 28 और 8 कितना हो गया, 36 हो गया, यानी 364 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इनको चेक करिएगा और चेक करके बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। क्या करना है, जब क्रम से दिए हो, इवन हो या ऑड हो, तो लास्ट नंबर देखेंगे और जैसे 15 था लास्ट नंबर तो 15 × 16 = 17 डिवाइड बाई 6, और अगर वो 12 था तो 12 × 13 = 14 और डिवाइड बाई 6 है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का इजी वे में आंसर बता सकते हैं, कहीं से कहीं तक भी हो। अब सवाल उठता है कि इनको कैसे करेंगे। क्लियर हो गए? इन दोनों को कैसे करेंगे, इन दोनों में और उसमें अंतर क्या है, ये मिड से हैं, ठीक है, इसको ओके करिए। अब आपको हम अगला सवाल बता रहे हैं और इसको हटा देते हैं यहां से। आपके ये सवाल और ये सवाल का आंसर कैसे देंगे, यानी ये इसका दूसरा और इसका दूसरा, इसमें उसमें अंतर क्या है, इसमें और उसमें सिर्फ अंतर ये है, यहां कोई अंतर नहीं है, यहाँ तो अपनी जगह बात वहीं पे है, अंतर यहाँ है, ये ऑड नंबर्स हैं, इसकी 1 से शुरुआत नहीं हुई है, ये ऑड नंबर है, इसकी 1 से शुरुआत नहीं हुई है, और ये इवन नंबर से बट इसकी 2 से शुरुआत नहीं हुई है। इसका मतलब है कि आप इसके पहले कौन सी विषम संख्या थी, 1, 3, 5, यानी आखिरी संख्या कौन सी थी, 5। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालोगे, पहले जैसा निकालोगे, 19
20 और 21 डिवाइड बाय 6 हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कौन सी थी, 1, 3, 5, यानी 6 तो इसमें आएगी नहीं, 5 आएगी, 5 तक का स्क्वायर था। तो 5 जब लास्ट नंबर यहाँ पे पहले निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 × 7, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 से 19 तक है और ये 1 से 5 तक है। तो 1 से 19 तक से अगर 1 से 5 तक निकाल दिया जाए तो 7 से 19 तक बच जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 2 से काट दीजिए 10 हो गया, ये 190 × 7 आ गया, 700, 7 × 9 = 63 के 3 हो गया, कैरी हुआ 6, 7 × 7 = 6 = 13 हो गया। अब इससे माइनस क्या करना है, इसको देख लीजिए, 6 कट गया, 7 × 5 = 35, अगर इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1295। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाय द वे हो सकता है कि कैलकुलेट करते समय मिस्टेक हो जाए, वैसे पूरी शुद्धता है। 1330 से 35 अगर आप निकाल देंगे तो 1295 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 1295। और काम क्या करना पड़ा, बिल्कुल पहले जैसा, पहले 1 से 19 तक पूरा निकाल लिया और फिर 5 तक घटा दिया। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, 8 से ये है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले आप लास्ट नंबर देखिए क्या है, 30 है, तो 30 तक चलते हैं, 30, 31 और 32, 3 बार चलना है, 6/6 इसमें सम में 6/6 होगा। अब ये 8 है तो इसके पहले सम संख्या कौन सी थी, जाहिर सी बात है 6 थी, 7 इसमें आएगा नहीं, तो 6, 7 और 8 डिवाइड बाई 6, 6 कट गया, उधर तो 56 सिंपल सा बच गया। इधर पता करते हैं, 6 × 5 = 30 हो गया। अब 6 × 5 = 30 हो गया, 30 × 31 क्या हो जाएगा, या 32 × 5 = 160 हो गया, और 160 को हम 31 से गुणा कर देते हैं, आप लोग कैलकुलेट करके चेक करिएगा। तो ये 0 हो गया, 16 × 16 = 6 हो गया, कैरी हुआ 1, 16 × 3 = 48, 1, 49। 4960 से यदि 56 निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4904, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, --, 30 का वर्ग, ये मिड से था, तो मिड से था तो प्रॉब्लम क्या है, मिड से था, पहले आप इसके जैसा करिए, 30 तक निकालिए, और निकालने के लिए क्या करना है, 30, 31, 32/6। अब क्या करेंगे, 8 के पहले कौन सा इवन नंबर था, पता लगा 6 था, अच्छा 6 था, तो 6, 7, 8 ÷ 6 ÷ 6, इससे इसको घटा दिया तो क्या बच गया, ये बच गया। तो बड़ी आसानी से आपने देखा कि विषम संख्या और सम संख्या के वर्गों का योग बता सकते हैं, चाहे शुरुआत से दिया हो या मिड से दिया हो। अब आप ऊपर जो लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, इसको चेक करिए, प्राकृत संख्या को चेक करिए, और बहुत ही ईजी वे में आप आंसर कर पाएंगे। ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे प्राकृत संख्या को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें और उसमें अंतर क्या है, देखिए कहाँ तक हम एक जैसा चलेंगे और कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इवन एंड ऑड दोनों इंक्लूड होती हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें इवन और ऑड दोनों इंक्लूड होते हैं, तो उन दोनों का नियम तो एक जैसा है, इसका नियम उससे अलग है। अच्छा, सबसे पहले इसे देखिए, जो क्रम से है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और --, 10 का स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर देखिए, यहाँ तक तो पहले जैसी बात हुई ना, लास्ट नंबर आप वहाँ भी देख रहे थे, यहाँ भी देख रहे हैं, लास्ट नंबर देखिए, 1 आगे बढ़िए, अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है, पहले जैसा है, 1 आगे बढ़िए। यदि इवन और ऑड होता तो 1 और आगे बढ़ जाते, मतलब 12 लिख लेते, लेकिन ये इवन ऑड नहीं है, इवन ऑड का इंक्लूड है इसमें, क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होता है, 21 और डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 सम में होगा, यानी क्रमागत सम विषम प्राकृत किसी का भी वर्गों का योग निकालोगे तो डिवाइड बाई 6 तो होना ही होना है। अच्छा, 10, 11, अब अगर सम और विषम होता तो 12 लिखते, 12 ना लिख करके इन दोनों का योग लिखेंगे, काट दीजिए इसको, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, और इधर से 2 से काट दीजिए, 5 हो गया, ये 55 × 7, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 हो गया, और 7 × 5 = 35, 36, 37, 38,
385, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसको कैसे करोगे, तो फिर वही चीज़, ये भी तो मिड सेशन से शुरू हो रहा है, मतलब एक से प्राकृत संख्या शुरू हो रही है और ये 10 से शुरू हो रही है। क्लियर हो गए, 10 के आगे 11 और 12 आना ये बात का प्रेजेंटेशन है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे आंसर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे शुरू से 20 तक। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये शुरू से 20 तक है, तो 20 गुणे 21, अच्छा चूंकि प्राकृत है तो दोनों को जोड़ लीजिए 41 डिवाइड बाई 6। अब क्या करना है, 9 तक निकालना है क्योंकि नेचुरल नंबर है, अगर इवन होता तो 8 तक निकालते, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है तो 9 तक निकालेंगे। अब 9 तक निकालेंगे तो लास्ट संख्या 9 हो जाएगी, 9 10, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 19 और डिवाइड बाई 6। अगर इससे इसको घटा दें तो इनका योग निकल आएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 और इधर से काट दीजिए 10 हो गया, मीन 70 हो गया, तो 41 × 70 कर दीजिए 0, 7 × 7 = 28, ये हो गया 2870, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम इधर आ जाते हैं, देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 2 से काट दीजिए 5 हो गया, यानी ये हो गया आपका 15 × 19, तो 15 × 19 कर लीजिए कितना हो जाएगा 19 × 5 = 95 के 5 हो गया और कैरी हुआ कितना 9, 19 × 19 और 9 कितना हो गया 28 हो गया, 285 हो गया। अब 2870 से 285 घटा दीजिए, 2870 - 285, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, इसका मतलब ये 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8 हो गया, यहाँ 7 में से 2 गया ये 5 हो जाएगा आपका, और इधर आपका 2 ही रहेगा, यानी 2585 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप देखिए वर्गों का योग निकालना कितना सिंपल और कितना आसान है। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि सम, विषम और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट आप देखेंगे क्रमागत प्राकृत सम विषम संख्याओं के घनों का योग, पीछे क्या देखा, वर्गों का योग, किसका, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, उनके वर्गों का योग क्या था, यानी स्क्वायर का सम क्या था और ये क्यूब का सम क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नियम बताता हूँ, बस कंसंट्रेट करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए लिखा है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब और --10 का क्यूब, इसका मतलब है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो आपको सबसे इजी वे बताते हैं, पहले हम आपको इसको बताते हैं, करके दिखाते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उदाहरण आपको और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप पावर मत देखिए, आप ये समझ लीजिए कि आपको पावर नहीं दिख रही है, तो अगर पावर नहीं दिख रही है, जो 3 पावर ऊपर लगी हुई वो नहीं दिख रही है आपको, तो ये क्या है 1 + 2 + 3 और लास्ट में +10। अगर यहाँ पावर ना देखें तो ये सम संख्याओं का योग है, अगर यहाँ पावर ना देखें तो विषम संख्याओं का योग है। क्लियर हो गए, ये सम प्राकृत संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या और उनका योग, अगर हम पावर की तरफ ध्यान ना दें, अवॉइड कर दें पावर को। क्लियर हो गए, चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ सबसे पहले आप पावर देख नहीं रहे हैं, आप ये बताइए प्राकृत संख्या का योग कैसे निकालते हैं। तो पीछे वाले वीडियो में 3 नंबर में हमने आपको प्राकृत संख्या का योग निकालने का तरीका बताया है, हालांकि 10 तक तो आप वैसे भी जानते हैं, 10 तक का एक नियम ये बता दे आपको, आधा करिए और इसी में 1 जोड़िए, इसी को आधा करिए इसी में 1 जोड़िए, दोनों का गुणा करिए कितना हो गया 55, और अगर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 30-25 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 1 से 10 तक के घनों का योग ये हो जाएगा। मीन्स आप संख्याओं के योग को यदि स्क्वायर कर देंगे तो वो घनों का योग निकल आएगा, ये चीज़ हम आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, इसी का दूसरा तरीका कि आप प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का योग कैसे निकालते हो, तो पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर लीजिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट को अगर आप जोड़ के हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11/2, ये क्या हो गया औसत हो गया। क्रमागत सम और विषम में जब कभी भी औसत निकालना हो तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देते हैं, देन हाउ मेनी नंबर्स, अगर ये पता चल जाए कि कितने नंबर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम योग बता सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं कैसे बताते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर
बट ए कॉमन डिफरेंस प्लस एक, यानी कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो 2 से काट दीजिए, 5 हो गया, ये 55 आ गया। और यदि इस 55 को स्क्वायर कर देंगे तो 3025 आएगा, जो कि इनके घनों का योग होगा। तो घनों का योग कैसे निकालते हैं, आपने बड़े इजी वे में देख लिया, और यहीं पर आपको मैं इससे क्लियर करा देता हूं। बस यहां तक चलिए, इसको मैनुअल चेक करा देते हैं। ये है क्या करेंगे, क्या प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे, जो भी होगा स्क्वायर कर देंगे, वही उनके घनों का योग होगा। किस में? नेचुरल नंबर्स के रेफरेंस में। अब इससे चेक कर लीजिए, क्योंकि पूरा चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा चेक करिए। देखिए यहाँ पर मैं संख्याएँ उठाता हूँ, 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब इसमें अगर पावर हम ना देखें तो क्या लिखा है, 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है। अब अगर इस 6 को स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, 36 होगा। अगर 6 को स्क्वायर कर दोगे तो 36 होगा। क्या वाकई इनके घनों का योग 36 है? तो 3 का क्या होता है, 27, 2 का क्या होता है, 8, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही, इनको जोड़ लीजिए, 36 आ जाएगा। क्लियर हो गए होंगे। अब आप इस पे आइए, सेकंड वाले पे। सेकेंड वाले का आंसर कैसे देंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सम संख्या का योग कैसे निकालते हो, नेचुरली सम संख्या का योग कैसे निकालते हो। अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप पहले, तो पहले 3 नंबर वीडियो देखो, तब इसको देखना। सम संख्या का आप कैसे योग निकालते हो, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दीजिए, चूंकि क्रमागत दी हुई है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ करके हाफ कर दिया, तो 20 और प्लस 2/2, यानी ये आ गया 11। क्लियर हो गया, 22/2 का मतलब 11 हो गया। और हाउ मेनी नंबर्स, तो फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस, चूंकि सम है तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा, प्लस 1। ये पीछे वाली वीडियो में सब क्लियर हो गया है आपको, 18/2 और प्लस 1 यानी 10 से, तो कितना हो गया, 11 × 10। 11 × 10 कितना, मतलब 110 हो गया। अब 110 आ गया, ये क्या है, सम संख्याओं का योग है, क्रमागत दी गई सम संख्याओं का योग है, हम पावर कतई नहीं देख रहे हैं। अच्छा, पीछे वाले में क्या किया था, प्राकृत वाले में, कि जो भी इनका योग आया था उसको केवल स्क्वायर कर दिया था, तो घनों का योग आ गया था, बात खत्म। यहाँ पे क्या करेंगे, जब सम संख्या दी होगी तो योग निकालेंगे। नंबर एक, योग आपने निकाल लिया, पहले औसत निकाला इनका, फिर हाउ मेनी नंबर्स और गुणा करके योग निकाल लिया। अब इस योग को क्या करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्रैक्टिकली केवल, ये लिखने की चीज़ नहीं है। योग जो इनका आया है बिना पावर देखे, उसे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करिए, और जो भी आए उसे 2 से गुणा कर दीजिए, वही इनके घनों का योग होगा। योग को स्क्वायर करिए, जो भी आए उसे 2 से गुणा कर दीजिए, वही सम क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग होगा। अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 का 121 होता है, और 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, यानी 12100 हो गया। और इसे क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे तो 24200 हो जाएगा। अब आप इसको इत्मीनान से चेक करिएगा। अच्छा, आपको मैं चेक कराता हूँ कि क्या ये बात सही है, कहाँ तक आपको फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। क्या किया आपने, प्राकृत ये क्रमागत सम संख्याएँ थी, पहले इनका योग निकाल लिया, योग निकालने के बाद स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दिया, तो इनके घनों का योग आ गया। अच्छा, इसमें छोटा सा आपको इतना केवल दिखाते हैं, ये केवल यहाँ तक आप देखिए, ये ठीक है, जैसे उसमें इतना दिखाया था इसमें इतना दिखा रहे हैं, बाकी उधर छोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 की पावर 3 4 की पावर 3 और 6 की पावर 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सम संख्याएं हैं। योग आप देख लीजिए, पावर मत देखिए, 4 और 2 6 और 6 12 हो गया, राइट, ये योग मिल गया। वहाँ पे योग निकालना पड़ा था, ये छोटा सा है तो कर लिया आपने। योग को क्या करें, स्क्वायर करके और क्या करें, 2 से गुणा कर दें, तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 288, इसका मतलब इनके घनों का योग ये आना चाहिए। क्या ये बात सही है, तो सही है, तो इसका परीक्षण करिए। 6 का क्यूब क्या होता है, 216, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। आप इनको सबको जोड़ लीजिए, आपका 288 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे इसको, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, प्राकृत क्लियर हो गया और आपका ये क्या नाम है, सम क्लियर हो गया, घनों का योग। अब आप विषम चेक करेंगे, तो विषम के घनों का योग कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका आपको बताते हैं, और अगर आप इन तरीकों को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ,
ये आपका 1 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 और डैश डैश करके 19 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, 1 से 19 तक की जो विषम संख्याएं मीन्स ऑड नंबर्स हैं उनके क्यूब्स का योग क्या होगा। आप देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं 1 से 19 तक बिना पावर देखे इनका योग निकाल लीजिए। तो बिना पावर देखे योग कैसे आप निकालते हैं, ये आपकी विषम संख्याएं हो गई, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका योग निकालना है। योग हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि औसत गुणे संख्याओं की संख्या होता है। तो औसत कैसे निकालते हैं क्रमागत में, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दीजिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के जब हाफ आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ गया। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दिया बिना पावर देखे, तो ये क्या हो गया, एवरेज हो गया 10। अब क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान से देखिए, हाउ मैनी नंबर्स, यदि औसत को संख्याओं की संख्या से गुणा कर दे तो योग निकल आएगा। अब हाउ मैनी नंबर्स, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दीजिए, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 19 में से 1 चला गया, 18/2 और प्लस 1, इसका मतलब भी 10 हो गया, यानी 10 × 10, इसका योग क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब अगर हम बिना पावर देखे ये क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो 100 आएगा। किसका, 1 से लेकर 19 तक की जो भी विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9, उनका जो सम होगा वो विदाउट पावर देखे है ना, सिंपल, वो 100 होगा। अब क्या करेंगे, इस 100 को लिख लेते हैं। लिख लिया, बहुत कूल माइंड होकर के सुनिएगा और बहुत योग्यता दिखाने की जरूरत नहीं है। 100 लिख लिया, कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, इसको डबल करिए कितना होगा, 100 को 200 होगा, 1 कम करिए कितना हुआ, 199, उससे गुणा कर दीजिए और इसका आंसर होगा 19,900। ये आपका आंसर आएगा, यानी पहले बिना पावर देखे आप जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ोगे, औसत गुणे संख्याओं की संख्या, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दिया, हाउ मैनी नंबर्स, फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, हाउ मैनी नंबर को औसत से गुणा कर देंगे, योग आ गया 100। अब पावर देखनी है, तो पावर देखनी है तो क्या करेंगे, क्या इसका क्यूब निकाल करके जोड़ेंगे, कतई नहीं। आप 100 को लिख लीजिए इसके रेफरेंस में, विषम के घनों के योग के रेफरेंस में 100 को लिखिए, इसको तुरंत डबल करिए और 1 कम करिए, इसी में पलट के गुणा कर दीजिए, वही करेक्ट आपका आंसर होगा। अब आपको मैं यहाँ तक परीक्षण करके दिखाता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चूंकि आप चेक कर लेंगे छोटे छोटे और वहाँ तक चेक करना मुश्किल है। क्या है, 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, राइट, यानी विषम संख्याओं के घनों का योग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं, 5, 3, 8 और 1, 9। क्लियर हो गया, 9 योग आ गया। वहाँ पे योग निकालना थोड़ा सा काम था क्योंकि वो ज़्यादा था, यहाँ पे क्या है, ऐसे जोड़ लिया 5, 3, 8 और 1, 9। क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, पीछे भी डबल किया था 100 को, 200 हुआ था, इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, 18, 1 कम करेंगे कितना हुआ, 17, 17 × 9 = 153 होता है, इनके घनों का योग क्या 153 होगा, इसे आप चेक करें। कैसे चेक करेंगे, 5 का 125, 3 का 27 और 1 का 1 होगा, इसको सबको जोड़ लीजिए, 153 आ जाएगा। तो इस तरह से इजी वे में थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको एग्ज़ाम देना है और आपको निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। आप ये कह सकते हैं इतना सब कैसे याद रखेंगे, तो जैसे मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जिसे मालूम है उसके लिए बहुत ईजी है और नहीं तो यही सवाल कठिन हो जाता है। गुणनफल के अंत में प्राप्त शून्यों की संख्या क्या है, यानी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर कुछ भी दिया हो, यदि इन्हें आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में यानी यूनिट से लेकर के आगे तक जितने भी जीरो आएंगे तो उनकी संख्या क्या है, कितने शून्य होंगे। उदाहरण के लिए हम आपको दिखाते हैं कि जैसे आपसे ये कह दिया गया, एग्जाम्पल एक देखिए कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये कह दिया गया कि भाई 40 है, 25 है, 30 है और एक संख्या और ले लीजिए 16,
ठीक है, ये चार संख्याएं लिखी हुई हैं। यदि इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणनफल जो भी प्राप्त होगा इनका, उसमें अंत में जीरो कितने होंगे, गुणनफल में जीरो क्या कितने होंगे, तो ये तो उदाहरण है आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, जीरो आने के पीछे जिम्मेदार कौन सी संख्याएं हैं, जो आपके नंबर्स हैं सिग्निफिकेंट्स और इनसिग्निफिकेंट्स मिलाकर टोटल 10 नंबर हैं, जीरो को हम असार्थक अंक और 1 से 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं। तो यहाँ पे शून्य आने के पीछे जिम्मेदार अंक कौन से हैं, सिर्फ 2 अंक हैं। एक शून्य आने के लिए जिम्मेदार ये है और 1 शून्य आने के लिए जिम्मेदार ये है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर इसे विस्तृत रूप से कोई आपसे बताता है कि सभी सम संख्याएं 2 और 0 वाली संख्याएं, तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2-2 के पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। सपोज अगर 6 आता है तो उसमें 2 मिलेगा, अगर 8 आता है तो उसमें 2 3 बार मिलेगा, अगर 10 आता है तो 5 और 2 दोनों मिलेगा, इसलिए बाकी आप सब छोड़ दो, केवल 0 आने के पीछे 2 ही जिम्मेदार हैं, 2 एंड 5। अब इस पूरे गुणनखंड में इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, यानी कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। जिसकी संख्या कम होगी, सपोज अगर 2 आया है 8 बार और 5 आया है 9 बार, तो जो गुणनफल के अंत में 0 होंगे वो 8 होंगे, यानी कम वाले के साथ चलेंगे, ज़्यादा वाले को ड्रॉप कर देंगे। अब प्रैक्टिकल में देखिए, ये उदाहरण लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है 2 की पावर 3 और इंटू 5, कैसे 8 है, 8 पंच 40 होता है, तो 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया, आपको नहीं ठीक लग रहा तो आप इस तरह से लिख लो इसको, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5, तो ये 40 ब्रेक हो गया। चलो इसको ब्रेक करते हैं 5 इंटू 5, अभी इसको ब्रेक करते हैं तो 6 पंचे 30 होता है, तो 2 गुणे 3 और गुणे 5, ये भी ब्रेक हो गया। देखो ये इसका है 30 का, 5 3 15 2 9 30, और ये इसका है, ठीक है, ये इसका है, बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ। और ये क्या है, ये तो सब 2-2 हैं, क्यों, ये देखिए 4 बार 2-2। अब काउंट करते हैं, 2 और 5 से मतलब है, बाकी किसी से मतलब ही नहीं है आपको, 3 आए और आएगा क्या, 7 आ जाए, मतलब ही आपको नहीं है, सिर्फ आपको मतलब किससे है, मतलब है सिर्फ 2 और 5 से। तो 2 काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ये हो गए, 1 ये 5 हो गया और 1 ये 3। 2 जो है ये 8 बार है, 2 8 बार है। अब 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 5 जो है ये 4 बार है, इसका मतलब है कि इसमें से छोटा क्या है, 4 छोटा है, अर्थात इनको गुणा करने पर जब शून्य लास्ट में आएंगे तो 4 आएंगे। इन दोनों में कौन कितनी बार आया है, जो कम बार आया है, समझ रहे हैं ना, 2 8 बार आया है, 5 4 बार आया है, अर्थात गुणा करने पर 0 जो लास्ट में होंगे वो आएंगे आपके 4। अब एक काम करता हूँ कि इसको गुणा करके आपको वाकई दिखाता हूँ, आप भी हमारे साथ इसको गुणा करिए, 25 चौको 100, तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया ना, 25 चौको 100, 1000 और 16 3 48, तो 48 मतलब 480 और 1000 से गुणा कर दो, देखिए क्या आया, 480000, कितने 0 आए, 4 0 आए। तो इस तरह से बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, 0 आने के पीछे सिर्फ 2 और 5 जिम्मेदार हैं, इसके अलावा कुछ भी जिम्मेदार नहीं। अब आइए आपको 2 उदाहरण दिखाते हैं, 2 उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तो आपको हम आराम से बताएंगे डिटेल में, और यहाँ बिना पेन चलाए बताएंगे, हालांकि इस सवाल का आंसर विदाउट पेन यूज़ किए देख करके बता सकते हैं कि तब वो ऑप्शन सही है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें 5 तो है नहीं कहीं, इसमें 2 है, कितने 2 हैं, 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 को हम क्या कर लेते हैं, 2 गुणे 2 लिख देते हैं,
इसको ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा हो जाता है देखिए, लेकिन फिर भी लिखिए, है ना, या इसको पावर बना के लिख लेते हैं, नहीं तो स्पेस की दिक्कत आएगी, ठीक है ना। 3 × 4, 4 × 2 की पावर 2 लिख लिया। अभी इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 × 2, इसको लिखेंगे 5 × 2, है ना, ये 15 को क्या लिखेंगे, 5 × 2, और इसको 9 × 2 = 18, इसको क्या लिखेंगे, 40 को लिखेंगे 2 की पावर 3 × 5, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और 8 × 5 = 40 हो गया। अच्छा, 25 को क्या लिखोगे, ये तो 5 की पावर 2 ही हो जाएगा। 16 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, 2 × 4 × 8 × 16, और 55 को क्या लिखोगे, तो 55 को तो आपको लिखना पड़ेगा 11 × 5, ठीक है, 55 को 11 × 5 लिख दिया। उसके बाद 105 को क्या लिखोगे, तो 15 × 7 = 105 होता है, 15 × 7 = 105 होता है, तो 7 × 3 × 5, तो 5 × 3 = 15 × 7 = 105 यहाँ तक ले आए। हालांकि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वर्बली बता सकते हैं, और अभी हम बता के आपको दिखाते हैं नीचे वाला। अच्छा, अब ये सब ब्रेक हो गए, देखिए 12 × 3 = 4 = 12 हो गया, 9 × 2 = 18 हो गया, 5 × 2 ये कौन सा है, 5 × 2 ये आपका कौन सा हो गया, 5 × 2 नहीं 5 × 3 होगा, गलत लिख दिया था ना, ये करेक्शन कर लो, तो ये 5 × 3 हो गया 15। 40 को क्या किया, ये आपका 8 हो गया, और 8 × 5 ये 40 हो गया, है ना, 2 × 4 × 8 = 45। 25 का मतलब 5 × 5 हो गया, 16 का मतलब 2 की पावर 4 हो गया, और 55 का मतलब 11 × 5 ही होगा, और ये 15 × 7 = 105 होता है, तो 3 × 5 × 7 सब हो गया, करेक्ट है। अब केवल क्या देखना है, 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, तो पहले हम 2 देखते हैं, 2 2 बार है, 1 3, 3 × 3 = 6, 6 × 4 = 10, यानी 2 की रिपीटिशन यहाँ पे 10 बार हुई है, 2 की रिपीटिशन 10 बार हुई है, देखो यहाँ 2 बार, 2 × 2 है ना, 3 बार, और ये 2 की पावर 3 = 6 हो गया, और 2 की पावर 4, तो 10 बार हो गया। अब 5 गिनो कितने बार है, यहाँ तो 5 है ही नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, 1 5, 1 ये 2 5, और 2 ये 4 हो गया, 4 हो गया, और 1 ये 5 हो गया, और 6 बार 5 है, तो 5 6 बार है, जो कम बार है उतने ही 0 लगेंगे, यानी कितने 0 लगेंगे, 6 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, आगे कोई संख्या आएगी तो कितने शून्य लगेंगे, 6 शून्य, मतलब जो इन दोनों में कम है उतने शून्य लगेंगे। आपको इससे मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस 2 कितने बार आया 10 बार, 5 कितने बार आया 6 बार, जो कम बार आया है उतने शून्य लगेंगे, 6 बार आया है 6 शून्य लगेंगे। तो इस तरह से इजी वे में आप निकाल सकते हैं, आप इसको गुणा करके देखिएगा और बताइएगा कितने 0 आए। अच्छा, अब क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इस क्वेश्चन पे ज़रा बात करते हैं, इसको देखिए जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई ब्रेक नहीं करेंगे, बस काउंट करेंगे, और आप भी हमारे साथ काउंट करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, हम पहले 2 गिन रहे हैं, यहाँ 2 है क्या, नहीं है, यहाँ 1 2 है, 2 × 5 = 10 होता है, तो 1 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 नहीं है, 3 × 5 = 15 होता है, ये 4 × 5 = 20 होता है, तो 20 में 2 2 2 बार आ गया, तो 1 और 2 3 बार हो गया, यहाँ पे 1 बार 2 है, 4 बार हो गया, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 बार 2 है, 8 में कितनी बार होता है, 3 बार, 3 बार यहाँ 2 है, यहाँ 3 बार है, तो 3 × 3 = 6, कैसे, 8 का मतलब 2 × 2 × 2 और 5 = 40, तो हम 5 नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, और 8 में 3 बार 2 होता है, यहाँ 8 में 3 बार 2 होता है, तो 3 × 3 = 6 बार हो गया, 1 यहाँ होगा 7 हो गया, 2 यहाँ होगा 8 9 हो गया, और 1 यहाँ हो गया 10 हो गया, यानी 2 यहाँ कितनी बार है, 10 बार है, लिख लिया। अब 5 गिनते हैं, देखिए कितनी बार है, तो 1 तो ये 5 हो गया, 1 5 ये इसके अंदर होगा, और 1 इसके अंदर होगा, ये 5 × 3 नहीं है, तो 3 से तो मतलब आपको नहीं है, 1 ही 5 होगा, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 यहाँ, 3 और 1 यहाँ 4, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो कितने हो गए, 6, 1 इसमें है 7, 1 इसमें 5 है 8, 1 इसमें है 9, और 1 इसमें 5 है 10, और 1 इसमें 5 है
ग्यारह, ग्यारह हो गए यानी पाँच ग्यारह बार। इसका मतलब यदि सबको गुणा किया जाए तो कम वाले शून्य आएंगे, मतलब दस आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, गिन लीजिए। ये आपका जवाब देने का तरीका है। तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा पूछा जाए, मैंने तो काफ़ी बड़ा सा बता दिया है, आप कोई भी सवाल हो बता सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ कि भाई दबे कोई ये आपसे पूछ ले, एक दो जगह पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से सही आंसर वहाँ पे टिक कर पाते हैं तो अंतिम योग्यता वही है। जैसे पूछ लिया कि एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार और डैश 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 गुणे सौ, यदि इसे सब संख्याओं को, इसका मतलब क्या है, आगे जो भी संख्या है सभी को गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आएगा उसमें जीरो कितने होंगे, तो आप लगा दीजिएगा 24 जीरो होंगे, 24 शून्य होंगे। ठीक है, ये परीक्षण किया हुआ पहले से है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे ऐसी क्वेरी हो सकती है, और बाकी आपको दे के दिखाएंगे तो आप उसमें बताएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट यानी पाँचवें क्लास में। ये आपका चौथा था संख्या पद्धति का, अब इसके पाँचवें क्लास में आपसे मुलाकात होगी। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हम डिटेल में चैप्टर में तब चलेंगे जब ये बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी, और बेसिक अगर क्लियर है तो आगे यकीन मानिए आपकी नींव मजबूत होगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।